लालू यादव लग गए उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए लोकसभा से पहले टूट जाएगा पार्टी पार्टी अरे भाई रही थी ना विधायकों की बैठक लालू यादव, यादव सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं नीतीश कुमार को उनको लगता है कि नीतीश कुमार के कारण ही हम सत्ता से बेदखल हुए हैं और नीतीश समाप्त हो जाएगा

तेज हो चुका है, जदयू से से का कमान संभाला है उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि अब क्या होगा क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकता के गठबंधन से सचमुच में नाराज हैं या फिर उनके अंदर पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो दिख रहा है खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारी को लेकर इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल उनसे हम जानेंगे नीतीश कुमार कमान अपने हाथ में ले लिए हैं लेकिन शायद लगता है कि झगड़ा कमान तो मजबूरी में लेना पड़ा ना कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी टूटने के कगार पर थी टूट जाती अरे भाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल गए थे लालू यादव से कभी भी पार्टी का विलय करा देते और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते ये सारी बातें जब नीतीश कुमार को पता चली तो लगा कि अब तो जो है से हम ना कुर्सी बचेगी न पार्टी बचेगी तो कुर्सी भी बचाना था और पार्टी भी बचाना था इसलिए पार्टी की कमान को अपने हाथ में लिए इसलिए तो लेना पड़ा है रहे नीतीश कुमार, कुमार, कुमार को जिन लोगों ने एनडीए गठबंधन से तोड़वा करके ले गए थे वो लोग सपना दिखाए थे कि आप विपक्षी एकता के सूत्रधार बनिएगा उसके नेता बनिएगा यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पीएम बन जाइएगा अब भाई सपना तो यही दिखाए थे और सार्वजनिक तौर पे नीतीश कुमार ने दो लोगों को कहा था ललन सिंह और विजेंद्र यादव को यही दोनों लेकर कर कर करके आए हैं उन, उन लोगों उन लोगों ने ही सपना दिखाया था कि भाई आप यहां आइएगा विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर के आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाइएगा लेकिन वहां तो कुछ हुआ नहीं घूम घूम कर कर करके नीतीश कुमार सारे नेताओं के दरवाजे दरवाजे दा करके विपक्षी एकता की बैठक पटना में कराए और पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला पहली बैठक में ही लालू यादव ने जो इशारा कर दिया राहुल गांधी का नाम लेकर करके कि दुल्हा बनिए और हम सब लोग आपके पीछे चलने के लिए बाराती चलने के लिए तैयार है इसका मतलब सीधा था कि कांग्रेस के नेतृत्व को ही हम स्वीकार करेंगे दूसरा किसी को नहीं दूसरी बैठकों से नीतीश कुमार को पूरी तुच्छ की दृष्टि से बेइजत करके एक तरह से कर सकते हैं कोई सम्मान नहीं कोई इज्जत नहीं कोई महत्व तो नहीं और उनको जो है से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ये तो जाते ही है उस बैठक में पूरी बेइजत होने के लिए अब म, अब मजबूरी है जाए तो कहा जाए ना घर के रहे ना घाट के रहे एनडीए से नाता तोड़े और महागठबंधन में सम्मान नहीं इज्जत नहीं संयोजक नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं तो अब कुछ बचा है क्या नीतीश कुमार का और उसके बाद लालू यादव लग गए उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए लोकसभा से पहले टूट जाएगा पार्टी पार्टी अरे भाई ही रही थी ना चौदह तो विधायकों की बैठक और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए लालू यादव से कभी भी उनको जो है से कुर्सी से हटा करके तेजस्वी की ताजपोशी कर देते यही तो योजना बनी थी यही तो साजिश चली जा रही लोकसभा में क्या होगा जल्दी होगा ये तो नीतीश कुमार ना बताएंगे कि क्या होगा उनके पूर्व विधायक अलग बैठक कर रहे रहे हैं। कहा तो कि अब नीतीश कुमार का कोई सम्मान पार्टी के अंदर में भी नहीं रहा अब किसी को उम्मीदवार बना देते हैं तो उनके पार्टी के तमाम नेता जो ऐसे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर देते हैं कि कैसे आप घोषणा कर सकते हैं जहां सर्वे सर्वा नीतीश कुमार उस पार्टी के थे सुप्रीमो कहे जाते थे कहा जाता था कि वो पार्टी जो है से नीतीश कुमार की है जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वही होता है तो अब उन्हीं के पार्टी के नेता उनके जो ऐसे आदेश की अबहलना कर रहे हैं अब कोई बात नहीं सुन रहे हैं ललन सिंह तो कहे कि हमको मुंगेर से चुनाव लड़ना है तो हम पार्टी के इस्तीफा दिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं अरे भाई पहले नहीं लड़े क्या और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह कर करके नहीं लड़े हैं क्या वहां तो हटाए गए एक दिन पहले ललन सिंह क्या बोल रहे थे कि ये सारा कुछ जो ऐसे मीडिया का बनाया हुआ एजेंडा है मीडिया अपने मैनेजमेंट से बात कर ले और भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा तय करती है उस पर जो है मीडिया चलाती है और दूसरे दिन उनको हटना पड़ा तो कहां चला गया उनका सारे जो है से मीडिया को दिए हुए बयान आ कहां चल गया तो इसलिए सीधे तौर पे जो है से उनकी पार्टी अब पूरी तरह से समाप्त होने की स्थिति में आ गई है अब नीतीश कुमार का उस पार्टी पर कोई महत्व तो नहीं रह गया है कोई जो ऐसे उनके गिरफ्त में नहीं रह गया है पार्टी अब उनके पार्टी के अंदर में ही जो ऐसे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है अच्छा ये सब बगावत जो जदयू में हो रहा है आपको नहीं लगता है कहीं कोई पीछे से करवा रहा है लालू यादव का इसमें हाथ है क्या निश्चित तौर पर लालू यादव सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं नीतीश कुमार को उनको लगता है कि नीतीश कुमार के कारण ही हम सत्ता से बेदखल हुए हैं और नीतीश समाप्त हो जाएगा तो हम फिर सत्ता में आ जाएंगे तो सबसे बड़ा दुश्मन एकदम उन, उनकी जो मनसा है कि तेजस्वी की ताजपोशी और ताजपोशी के लिए वो मजबूरी बस नीतीश कुमार को साथ लिए हुए हैं लेकिन दबाव तो नीतीश कुमार पर नीतीश कुमार है। तो बोल ही दिए हैं कि पच्चीस में ही रहेंगे पच्चीस अरे भाई पहले तो कहे थे कि बहुत जल्दी जो है से ये तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 तक जो है कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और जब 25 आएगा तो नीतीश कुमार को सत्ता का जो भूख है या कह सकते हैं कुर्सी की चाहत है वो जो है कभी जो है छोड़ने नहीं देगा और कभी तेजस्वी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे नीतीश कुमार की जब तक जो है से उनकी अपनी चलती रहेगी तेजस्वी को कभी ताजपोशी नहीं होने देंगे अच्छा आखिरी सवाल रहेगा नीतीश कुमार फिर आपसे आप लोग के साथ आएंगे तो क्या कहते हैं देखिए हम लोगों ने हटाया तो नहीं था नीतीश कुमार फिर आप से आपसे पहले सुन तो लिया हमने हटाया नहीं था तैतालीस उनके विधायक जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के चौहत्तर और बिना कारण हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और पूरा भरोसा जनता को भी दिलवाया था मोदी जी ने कि हम हैं चिंता मत कीजिए बिहार को हम देखेंगे तो फिर से इंडिया लेकिन नीतीश कुमार चले गए बिना मतलब के इंडिया और जा कर करके जो जंगल राज था पहले लालू के समय में महाजंगल लाने का काम किया आज क्या है बिहार की स्थिति बिहार की जनता जो है से त्राहीमाम कर रही है अपराध हत्या लूट डकैती की घटनाएं माफिया तत्व सक्रिय सारे चीज हो रहे हैं और इसके लिए दोषी कौन है नीतीश कुमार जनता का भरोसा और विश्वास को उन्होंने धोखा देने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था उस भरोसे पर भी खड़ा नहीं उतरा तो हम लोग तो जनता के साथ चलने वाले ना चाहती हो करते हैं और जनता की इच्छा जो है अब नीतीश कुमार से उतर चुकी है तो हम लोग जो है से अब कैसे जो है इंडिया में आएंगे बिना जनता के इच्छाओं पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जनता की मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की इच्छा की पार्टी है जनता जो चाहती है वही हम करते हैं तो जनता की इच्छा जो है नीतीश कुमार पर चढ़ेगा तब तो जो तो है किस तरीके से इंडिया में फिर से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे जनता की इच्छा है लेकिन आप समझ लीजिए चर्चाएं जो हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं क्या नीतीश कुमार की अब राजनीतिक रूप से बिहार में कोई ताकत नहीं बचा है आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें